दोस्तों आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि इक्विटी फंड और डेट फंड में क्या डिफरेंस होता है लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड में क्या डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कौन से फंड लेने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए कौन से फंड है और स्पेसिफिकली सेक्टर ओरिएंटेड फंड जो बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं साल में भी पैसा दुगना कर देते हैं तो हम डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कैसे काम करता है कितनी तरह के फंड होते हैं और एक आम निवेशक को कौन सा फंड लेना चाहिए आइए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इज बेटर लार्ज कैप और स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा फंड लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा फंड लेना चाहिए ये डिस्कस करेंगे साथ ही साथ बिना शेयर मार्केट वाले फंड्स कौन कौन से होते हैं जस्ट लाइक डेट फंड और सिर्फ दस हजार रुपए की मंथली एस आई पी से एक करोड़ की वेल्थ कैसे बनाई जा सकती है मार्केट में पैसा लगाया जाता है बट इसका एक दूसरा पहलू भी है आप शेयर मार्केट के साथ साथ आप इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हो प्राइवेट कंपनीज के भी बॉन्ड्स आप ले सकते हैं जिनमें रिटर्न्स थोड़ा कम होता है बट पैसा सेफ रहता है बट एक्चुअल में जो रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड में वो शेयर मार्केट वाले प्रोडक्ट से ही आता है तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए हमें शेयर मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा शेयर मार्केट क्या होता है कैसे काम करता है और मुझे कैसे रिटर्न देगा तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये आ, चार्ट प्रिवेंट कर रहा हूँ सेंसेक्स का नाम आपने सामने सुना होगा बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है ये 1979 में सौ रुपए से शुरू हुआ था छह साल आते आतेमसेक्स साढ़े पांच सौ रुपए का हो गया आते आते सन नब्बेक्स एक हजार रुपए का हो गया यानी ये दो हजार दस में ये बीस हजार का था दो हजार इक्कीस सेंसेक्स और आज ये चौहत्तर हजार था थाउजेंड है यानी जिसने जब जब पैसा लगाया कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएट की है लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसा कभी नहीं देखने को मिला ऐसा बहुत ज्यादा डाउन हुआ है या नेगेटिव हुआ है लेकिन इसका एक अदर फैक्टर भी है ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ प्लस रिटर्न ही मिलते हैं यहाँ एक जो चार्ट दिख रहा है जस्ट ईसीजी की तरह दिख रहा होगा जैसे हार्ट बीट होती है ना कभी गिरी कभी उठी तो 1991 से लेकर सन 2024 तक काफी लंबी जर्नी है कई बार शेयर मार्केट उठा कई बार गिरा दो में देखो सीधा सत्रह अठारह से सीधा आठ नौ पर आ गया नेक्स्ट हमने 2020 का मार्केट भी देखा बयालीस हजार से सत्ताईस हजार ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और लगाते है के साथ ही विद इन दो महीने चार महीने साल दो साल के अंदर वो पैसा नेगेटिव दिखने लगता है हम शेयर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं लेकिन अगर आप इसी चार्ट को एनालाइज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये चार्ट सिर्फ अपवर्ड जा रहा है सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगर आप निवेशक है लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज है अगर आप ट्रेडर हैं शॉर्ट टर्म में वेल्थ कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटर्न नहीं बन पाएगा तो आप कम से कम मेंटलिटी बना के रहिए कि तीन से पांच साल हमारे साथ मिनिमम टिके और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये काम करता कैसे है तो सबसे सेफर वे होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाओ क्योंकि आप खुद की रिसर्च करोगे खुद इन्वेस्टमेंट करोगे कभी मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगा तो आपका पीपीटी नहीं दिख रही हाँ जी ओके okay. तो शेयर uh, मार्केट में निवेश करने का सबसे बेहतर तरीका होता है म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कुछ एक्सपर्ट्स को देते हैं जिनको हम फंड मैनेजर के नाम से भी जानते हैं इनके पास अपनी खुद की रिसर्च टीम होती है बड़ी रिसर्च टीम होती है जो मार्केट को एनालाइज करती है ये अमाउंट मैटर नहीं करता पांच सौ रुपए दे रहे हैं पांच हजार दे रहे हैं पांच लाख दे रहे हैं या पांच करोड़ दे रहे हैं क्योंकि इनके पास वो छोटा छोटा अमाउंट जाकर भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो सफिशंटली कहीं पर भी लगाया जा सकता है तो और दूसरा इस पैसे को प्रोफेशनल मैनेज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सीबी के रेगुलेटरीज रहती हैं टाइम टू टाइम इनका ऑडिट होता है तो ये सभी सबीक के सभी इन्वेस्टर के फेवर में रहता है तो आप चाहो तो मिनिमम सौ रुपए से लेकर मैक्सिमम किसी भी अमाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एडवांटेज हैं जो अदर किसी प्रोडक्ट में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं जस्ट लाइक like इसको प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है डायवर्सिफिकेशन कि आप पैसा डाल सकते हैं आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं लो कॉस्ट मतलब यहाँ पे अदर बीच में किसी भी तरीके का कोई कमीशन नहीं होता कुछ खास बीच में कुछ मीडिएटर्स नहीं होते तो बहुत लो कॉस्टिंग के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करूं

उन अलग अलग कैटेगरीज में पैसा डालता है और शेयर मार्केट से आपको रिटर्न जनरेट करके देता है मार्केट का रिस्क रहता है लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं दूसरा होता है डेट फंड बॉन्ड्स और शेयर मार्केट का कोई रिस्क नहीं होता शेयर मार्केट डूब भी जाएगी तो भी आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट सेक्टर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स में लगता है जस्ट इक्वल सेम जो एफ का रिटर्न होता है वही रिटर्न आपको यहाँ पर भी मिलता है तीसरा आप गोल्ड फंड ले सकते हैं गोल्ड फंड जस्ट लाइक हम जैसे फिजिकल गोल्ड परचेस करते हैं सेम उसी तरीके से हम गोल्ड ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू सबसे अच्छी बात क्या है ये चोरी नहीं होता गुम नहीं होता डिजाइन पुराना नहीं हो सकता और जो भी रेट पे आप खरीदेंगे आज खरीदा पांच साल बाद जो भी रेट होगा सेम प्राइस पर आप एनी टाइम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और तो दो दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा

कि इक्विटी में लार्ज कैप होता है लार्ज एंड मिड कैप मल्टी कैप मिड कैप स्मॉल कैप टैक्स फेवर थीमेटिकल सबसे मजेदार बात क्या है ना जिनके नाम के आगे लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं होता वो अमूमन मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप होते हैं आप ये मान के चलो कि जिनके नाम के आगे लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं लिखा वो लगभग लगभग सभी कैप्स में पैसा डाल सकते हैं और सभी कैप्स का एक अमूमन रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे डेट फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन मीडियम गिल्ड फंड बैंकिंग एन पी एफ सू इतने नाम भी आपको याद नहीं रखने हैं मैं अभी आगे आने वाली पीपीटी में दिखाऊंगा आपको कि डेट में हम कौन कौन से फंड ले सकते हैं और क्लाइंट को क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन है इक्विटी डेट गोल्ड फंड ऑफ फंड हाइब्रिड में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं आर्बिट्राज है हाइब्रिड फंड है डेट ओरिएंटेड होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन होते हैं बैलेंस फंड होते हैं मींस इन चार कैटेगरीज के अंदर ही आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए हम सिर्फ म्यूचुअल फंड को एक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं ये प्रोडक्ट नहीं है ये मल्टीपल कैटेगरीज हैं जो आप क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग उसका पोर्टफोलियो मेंटेन करके दे सकते हैं जरूरी नहीं शेयर मार्केट वाला हो आप गोल्ड वाला भी दे सकते हैं बैलेंस वाला भी दे सकते हैं और डेट वाला भी दे सकते हैं तो हम शुरू करते हैं इक्विटी के पहले सबसे पहले पार्ट को जिसे हम जानते हैं लार्ज कैप फंड लार्ज कैप का मतलब होता है भारत की सबसे बड़ी सौ कंपनियों का पोर्टफोलियो इनको हम टेंटिवली निफ्टी फिफ्टी के नाम से भी जानते हैं ब्लू चिप के नाम से भी जानते हैं यानी लार्ज कैप फंड कौन से होते हैं जो भारत की सौ सबसे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं भारतीय मार्केट में अमूमा लगभग साढ़े आठ नौ हजार कंपनियां हैं जिनके रोजाना शेयर खरीदे बेचे जाते हैं बट म्यूचुअल फंड कुछ सिलेक्टेड कंपनियों में ही पैसा डालता है तो लार्ज कैप कहाँ डालता है जो भारत के सौ सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी होती है मिड कैप मिड कैप मतलब सौ एक, एक रैंकिंग से लेकर ढाई सौ रैंकिंग वाली डेढ़ सौ कंपनियां नहीं होती है तो इसलिए कई बार रिटर्न भी ज्यादा आ जाता है कई बार पोर्टफोलियो नेगेटिव भी चला जाता है क्योंकि हाईर रिस्क ले रही है तीसरी कैटेगरी होती है स्मॉल कैप फंड 250 नंबर के रैंकिंग से लेकर नीचे वाली जो कंपनियां होती हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं इनमें रिटर्न थोड़ा हाइयर होता है लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले बट रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है तो जो भी व्यक्ति पहली बार निवेश कर रहा है तो हम सजेस्ट करेंगे लार्ज कैप में डालना चाहिए लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय तक निवेश करना चाहता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं चौथी कैटेगरी होती है डाइवर्सिफाइड जिसे हम मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के नाम से भी जानते हैं ये मिक्सचर होता है पूरा लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप लेते हैं तो अमूमन आपको पर्सनली लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप लेने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप ले लो तो तीनों के अंदर कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट होती है आपकी इसी का एक पार्ट होता है मल्टी कैप का ही ई एल एस एफ टैक्स फंड इसको हम एटीसी की रिबेट के नाम से भी जानते हैं इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसा फंड है जो मिनिमम तीन साल के लॉकिंग के साथ आपको ए की रिबेट दे रहा है और इसके ऑन एवरेज तीन से पांच सालों में बारह से पंद्रह परसेंट का रिटर्न आ जाता है पंद्रह परसेंट का रिटर्न कहता है कि आपका पैसा तीन साल में डेढ़ गुना और पांच साल में डबल हो जाता है टैक्स प्रोडक्ट के अंदर तीन साल के लॉकिंग वाले प्रोडक्ट में भी पैसा तीन साल में डबल हो रहा है आपका तो अदर किसी प्रोडक्ट को देने के बजाय आप ई फंड भी सजेस्ट कर सकते हो इसके अलावा लास्ट कैटेगरी होती है सेक्टोरियल फंड आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जस्ट लाइक like थेमेटिक uh, फंड होते हैं बैंकिंग फंड होते हैं फार्मा फंड होते हैं अभी तक तो हम बात क्या कर रहे थे लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप और मल्टी कैप की जिनके अंदर अक्रॉस सभी इंडस्ट्रीज में सभी सेक्टर्स में पैसा डाला जाता है बट सेक्टोरियल फंड क्या होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डालता है बैंकिंग लेंगे तो सारे बैंकों का ही और फाइनेंशियल कंपनीज का भी पोर्टफोलियो uh, होगा फार्मा लेंगे तो सारे हॉस्पिटल्स uh, होंगे फार्मा कंपनीज होंगी फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स कंपनी होंगी मैन्युफैक्चरिंग लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज होंगी तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो बहुत लिमिटेड पैसा लगाना चाहिए कई बार तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे, दे देते हैं कई बार थोड़ा सा डेंट भी मारते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर तो हम शुरुआत करते हैं पहला लार्ज कैप लार्ज कैप को हम ब्लू चिप के नाम से भी जानते हैं फ्रंट लाइन के नाम से भी जानते हैं जिसको हम निफ्टी फिफ्टी भी कहते हैं और सेंसेक्स थर्टी भी कहते हैं इसके बेंच भी निफ्टी थर्टी और सेंसेक्स थर्टी होता है अमूमन जो सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न होगा लार्ज कैप का वही सेम रिटर्न होता है इसमें अमूमन दस पांच परसेंट का रिटर्न का डिफरेंस होगा इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन अगर कोई व्यक्ति लार्ज कैप में आना चाह रहा है तो उसके पास मिनिमम टू तो मिनिमम तो थ्री इस का टाइम होना चाहिए सिर्फ मैं लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा इक्विटी कैटेगरी के किसी भी फंड में अगर वो एंट्री मारना चाहता है तो कम से कम उसके पास टाइम फ्रेम तीन साल का होना चाहिए तीन साल से कम टाइम फ्रेम वाले व्यक्ति को हम इक्विटी म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करते आ, ये कुछ लार्ज फंड्स की लार्ज कैप फंडित्यक्विटी एच डी एफ सी टॉप टू हंड्रेड फोर्टी टू परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट रिटर्न फिफ्टीन परसेंट रिटर्न मीन्स अगर मैं सबके कॉम्बिनेशन की भी बात करूं तो ऑन एवरेज लगभग चौदह पंद्रह परसेंट का रिटर्न पिछले दस सालों का है इनका तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप सजेस्ट कर रहे हैं किसी क्लाइंट को तो बड़े आराम से दे सकते हैं इनमें रिस्क नहीं होता और क्लाइंट लॉन्ग टर्म इनको होल्ड करके रख सकता है नेक्स्ट कैटेगरी है सर मिड कैप और स्मॉल कैप हम इसको एक ही साथ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है मिड कैप मतलब एक सौ एक से रैंकिंग से लेकर ढाई कंपनी और स्मॉल कैप मतलब होता है ढाई से नीचे वाली कंपनियां इनके जो रिटर्न्स होता इनका जो बेंचमार्क है

जब क्लाइंट के पास मिनिमम टाइम फ्रेम सेवन ईयर ऑनवर्ड हो या फिर आप उसको मैक्सिमम पोर्टफोलियो का ट्वेंटी फाइव परसेंट ही सजेस्ट करो इससे ज्यादा क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करना चाहिए मिड कैप या स्मॉल कैप अगर मैं इनके रिटर्न की बात करता हूँ ये मिड कैप फंड है तो अमूमन पिछले एक साल के रिटर्न आपको दिख ही रहे हैं। एक, एक साल में लगभग लगभग सभी ने पचास साठ परसेंट का रिटर्न दिया है तीन साल बाईस पच्चीस परसेंट का रिटर्न ऑन एवरेज है मैं दस साल की बात करता हूँ तो सत्रह परसेंट से लेकर बाईस थोड़ा ज्यादा ले रहा है इसलिए इसका रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा है अगर मैं इसी कैटेगरी में एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ रिलायंस निप ऑन इंडिया ग्रोथ फंड जैसा कि हम अपनी हर ट्रेनिंग में डिस्कस भी करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में जब पिछली बार ये ट्रेनिंग हमने ली थी अभी ये मार्च के अंदर पंद्रह मार्च के करीब में जब हमने ट्रेनिंग ली थी तो इसकी एन थी बत्तीस सौ पचास रुपए आज उसकी एनेवे लगभग पैंतीस सौ रुपए यानी ढाई सौ रुपये का डिफरेंस आ गया सिर्फ दो महीने में अगर किसी ने उन्नीस सौ पचानवे में एक लाख रुपये डाला होता और आज उसकी वैल्यू लगभग लगभग साढ़े तीन करोड़ है कितने टाइम में लास्ट ट्वेंटी नाइन ईयर्स में इस सेम ड्यूरेशन में लोगों ने प्रॉपर्टी भी खरीदी है आपने इंश्योरेंस भी दिया होगा कई सारे लोगों को बीस साल तीस साल चालीस वाला बट इसके अंदर आपका एक लाख रुपए हो गया साढ़े करोड़ पिछले बाईस उनतीस सालों में प्लस इसमें कोई लॉकिंग नहीं है आप कभी भी पैसा डाल सकते हो कभी भी निकाल सकते हो नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी स्मॉल कैप फंड जस्ट लाइक डीएसपी स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप बंधन स्मॉल कैप आईसीसी स्मॉल कैप देखोगे एक साल में पचास परसेंट से लेकर सत्तर परसेंट तक का रिटर्न आया है तीन साल में भी उनतीस परसेंट का एवरेज रिटर्न दिखा रहा है बट दस सालों की मैं बात करता हूँ क्योंकि हमने बात की uh, है शुरुआत तो में टेन ईयर में बीच में होता है हाईएस्ट रिटर्न कितना रहा है ट्वेंटी सिक्स परसेंट और लोएस्ट रिटर्न कितना रहा है सत्रह यानी ऑन एवरेज लगभग साढ़े बाईस परसेंट का पूरी इंडस्ट्री का रिटर्न रहा है तो आप बहुत सोच समझ बहुत लिमिटेड पोर्टफोलियो में ही स्मॉल कैप देना है आपको इसी का एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ डीएसपी स्मॉल कैप ये चार्ट मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे भी दो अलग अलग तरीके के रिटर्न होते हैं एस है लमसम एक अलग रिटर्न देता, देता है जिस व्यक्ति ने पिछले एक साल में पिछले साल एक लाख रुपए डाला था आज उसकी वैल्यू एक लाख पैंतालीस हजार रूपये लमसम के अंदर लेकिन जिसने पिछले साल एस शुरू की है उसका रिटर्न आ रहा है थर्टी सेम पांच साल पहले किसी ने लमसम डाला होता पैसा तो आज इसको ट्वेंटी फाइव परसेंट एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है के अंदर लेकिन पांच साल में उसकी एस आई पी का रिटर्न क्या आ रहा है 30 का ऑप्शन फंड शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक लगभग अठारह परसेंट का रिटर्न रहा है एनअलाइज एफडी से जस्ट ट्रिपल एफडी का छह साढ़े छह परसेंट का रिटर्न है इसका अठारह तीन साल में रिटर्न देगा वो एक साल में रिटर्न लेकिन एस आई पी का रिटर्न से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वन टाइम तो चलो जब क्लाइंट का बजट है या कभी मार्केट डाउन हो रही है तो डलवा दो लेकिन SIP आपको हर क्लाइंट से उठानी है <coughs> आपको हर क्लाइंट से लेनी है और इस तरीके का चार्ट एनजे के फाइनेंशियल टूल पे अवेलेबल है आप किसी भी क्लाइंट को इस तरीके की परफॉर्मेंस शेयर कर सकते हो ये सभी के पास अवेलेबल है नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप इसका मतलब होता है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन इनके होते हैं टॉप टू हंड्रेड मल्टी कैप एवरेज रिटर्न सैमसेक्स पंद्रह से बीस परसेंट दे तो देंगे अगर 20 का दे रहा है, तो इनका चौबीस से छब्बीस परसेंट का रिटर्न आएगा इसको भी कम से कम तीन सौ पांच साल वाले टाइम फ्रेम वाले इंडस्ट्री को ही सजेस्ट करना है यानी फिर रिपीट करना चाहूंगा इक्विटी की जो भी कैटेगरीज हैं लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप किसी में भी तीन साल से कम टाइम फ्रेम वाले व्यक्ति को एंट्री नहीं करानी है जिनका टाइम फ्रेम मोर देन टू ईयर है उन्हीं को ये कैटेगरी उन्हीं को ये यह सजेस्ट करने हैं तो मैं ये मल्टी कैप के कुछ रिटर्न है आपके सामने जैसा कि आदित्य बिरला ने पिछले एक साल में फोर्टी का रिटर्न दिया एक्सएफसी ने फिफ्टी फाइव एच एस में सिक्सटी वन परसेंट कोटेक ने 64 का रिटर्न, ईयर में उन्नीस अठारह दस साल में पंद्रह सोलह सत्रह परसेंट का रिटर्न आया है मोर इसके अंदर क्या होता है जैसा मैं मालूम है कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होता है बट इसके अंदर लार्ज कैप ट्वेंटी स्मॉल कैप ट्वेंटी फिक्स है कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट रखना ही है लार्ज और मिट स्मॉल के अंदर बाकी का लास्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो कितना लार्ज कितना मिड और कितना स्मॉल कैप लेना चाहता है सेम हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं फ्लेक्सी कैप ये भी मल्टी कैप की तरह ही होता है लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है बट इसमें कोई कैपिंग uh, नहीं होती जैसे मल्टी कैप में पच्चीस लार्ज पच्चीस मिड पच्चीस स्मॉल कैपिंग रखी जाती है फ्लेक्सी कैप के अंदर कोई कैपिंग नहीं होती फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कितना ही लार्ज कैप रख सकता है कितना ही मिड कैप और कितना भी स्मॉल कैप रख सकता है और अगर आप ध्यान दोगे ना लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न अपना मल्टी कैप का आ रहा था सेम वही रिटर्न अपना फ्लेक्सी कैप का भी है उसका भी सत्रह अठारह परसेंट का रिटर्न था इसका भी लगभग सेम सत्रह पंद्रह सत्रह परसेंट का रिटर्न है एक परसेंट का डिफरेंस है बट इसमें लार्ज कैप हमेशा ज्यादा होता है लार्ज कैप क्या होता है जब बाजार गिरती है तो आपको मार्केट गिरने के जो वॉलोटाइल रिटर्न होते हैं उनको बचा लेता है ठीक है हम आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करता हूं अदर फंड्स की अदर फंड्स मतलब जैसे कि हमने बात कर रही थी सेक्टोरियल स्पेसिफिक थीम बेस्ड फंड इनमें हम कभी भी ट्वेंटी uh, परसेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए यानी अगर मैं सौ रुपए लगाना चाहता हूं तो सौ रुपए में से बीस रुपए से ज्यादा कभी भी किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना चाहिए और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं अपने पास बैंकिंग है फार्मा है मैन्युफैक्चरिंग है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग से बात करते हैं क्योंकि हमारी करंट जो गवर्नमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है तो ये डीएसपी का एक फंड सॉरी आदित्य बिरला का एक फंड है जिसने पिछले एक साल में फिफ्टी वन परसेंट का रिटर्न दिया है वन टाइम पचास परसेंट रिटर्न दिया है एस आई पी में सेम दो सालों में भी ट्वेंटी थ्री परसेंट तीन साल पांच साल में भी अठारह परसेंट का रिटर्न है बट सिंस से थोड़ा सा डाउन है रीजन बिंग डाउन क्यों है क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट था उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाया लेकिन पिछले चार सालों में पिछले पांच सालों में गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है तो आप रिटर्न सामने से देख सकते हो और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट और है कि सेम टाइम में हमारे पास एक ओ भी चल रहा है एच मैन्युफैक्चरिंग फंड ये छब्बीस अप्रैल को लॉन्च हुआ था और ये दस मई को बंद होने वाला है हमारे पास सिर्फ दो दिन का टाइम बचा हुआ है तो अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहता है तो वो इसके अंदर और दोनों में पैसा डाल सकता है एडवाइजर्स के लिए भी इसमें प्लस पॉइंट है इसमें जीरो पॉइंटी फोर है और लॉकिंग फ्री प्रोडक्ट है एनी टाइम कभी भी किया जा सकता है लेकिन कोशिश करिए तीन साल से ज्यादा प्लानिंग वाले व्यक्ति को ही ये फंड देना है और टोटल इन्वेस्टमेंट का कभी भी ट्वेंटी से ज्यादा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं डालना तो आप इस फंड में भी कुछ पैसा वन टाइम डलवा सकते हैं सेम जैसे मैंने कहा था कि बैंकिंग के भी फंड होते हैं तो जैसे बैंकिंग की मैं बात कर रहा करूँ डे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक साल में थर्टी परसेंट का रिटर्न दो साल में अठारह इन्वेस्को का एक साल में फोर्टी वन परसेंट का रिटर्न निपोन का थर्टी सेवन दो साल में भी ट्वेंटी तीन साल में भी ट्वेंटी वन परसेंट का रिटर्न बट पांच साल आते आते क्या हुआ इनके रिटर्न डाउन हो गए तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए पैसा लगाएं जब आपके गोल्स अचीव हो जाए आपके टारगेट अचीव हो जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए सेम इसी तरीके से आप फार्मा सेक्टर में भी पैसा लगा सकते हो आपको मालूम है कोरोना काल में सब कुछ बंद था सर हॉस्पिटल खुले थे केमिस्ट की शॉप खुली थी और केमिकल्स की दुकान खुली हुई थी तो एक साल में साठ सत्तर परसेंट का रिटर्न दो साल में भी बीस बाईस परसेंट का रिटर्न है तीन साल चार साल सुपर भी रिटर्न आ रहा है यानी हर पिछले पांच साल तक के ट्रैक रिकॉर्ड में सभी फंड ने मोर देन ट्वेंटी का रिटर्न दिया है तो आप चाहो इस कैटेगरी में भी पैसा डाल सकते हो लेकिन थोड़ा सा तो अब मैं बात कर रहा हूं रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आ सकता है अगर मान के चलो आपने आपका जो सेंसेक्स और निफ्टी फिफ्टी है वो बीस परसेंट पॉजिटिव होता है आज इस साल मार्केट अगर बीस परसेंट पॉजिटिव रिटर्न देती है तो हमारा लार्ज कैप इक्कीस परसेंट बढ़ेगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप पच्चीस परसेंट बढ़ सकते हैं और तो फ्लेक्सी कैप लगभग ट्वेंटी टू परसेंट के करीब में बढ़ सकता है बट यही मैं अगर दूसरा फनेरियो लेता हूँ कि अगर मार्केट इस साल बीस परसेंट गिर जाती है तो लार्ज कैप इक्कीस परसेंट गिरेगा मिड एंड स्मॉल कैप पच्चीस परसेंट तक गिर सकता है और फ्लेक्सी कैप अमूमन बाईस परसेंट तक गिरने की संभावना होती है तो शॉर्ट टर्म पीरियड जिसके पास कम समय है तीन साल चार साल पांच साल उसको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप दें और जिसके पास लंबा समय है आप उसको फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप और मिड कैप सजेस्ट कर सकते हो इसके साथ ही हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है बॉन्ड फंड जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट वाले प्रोडक्ट में नहीं लगाता तो मैं शेयर मार्केट वाले प्रोडक्ट को एक बार समराइज कर देता हूँ इसमें तीन कैटेगरीज होती हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप और मल्टी कैप और ये लगभग लगभग सारे ओपन एंडेड होते हैं इनमें कोई लॉकिंग नहीं होता सिर्फ मल्टी कैप के अंदर एक कैटेगरी होती है ई एल एस उसमें तीन साल का लॉकिंग होता है लॉकिंग वाला प्रोडक्ट आप क्लाइंट को तभी दो जब क्लाइंट की नीड या रिक्वायरमेंट हो अननेसेसरी उसको लॉकिंग वाला प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए रीजन बींग की अगर बाई चांस कभी बजाय गिरता है या उठता है मुझे स्विचिंग की जरूरत पड़ती है तो मैं सडनली उसका पोर्टफोलियो बुक नहीं कर पाऊंगा सडनली एक स्कीम से पैसा निकालकर दूसरी स्कीम में नहीं डाल पाऊंगा अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ डेट फंड या बॉन्ड फंड डालना चाहे तो लिक्विड फंड में डाल सकते हैं महीने से तीन महीने के लिए डालना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के अंदर डाल सकते हैं छह महीने से बारह महीने के लिए भी शॉर्ट टर्म फंड के अंदर पैसा डाला जा सकता है और लंबे समय के लिए पैसा डालना है तो गिड फंड यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स होते हैं आप उनके अंदर पैसा डाल सकते हैं इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें तीन कैटेगरी होती हैं शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लो ड्यूरेशन फंड आप इनमें पैसा डाल दीजिए इनमें कोई लॉकिंग नहीं होता कोई एक्सिट लोन नहीं होता आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं निकाल सकते हैं बट इनका जो एवरेज रिटर्न होता है वो छह से सात परसेंट होता है लाइफ यानी लगभग जो एफ का रिटर्न होगा वही यहाँ पर भी रिटर्न होगा सिर्फ फायदा क्या है एफ में मुझे बैंक को बताना पड़ता है कि तीन महीने छह महीने साल दो साल पांच साल कितने की आ, कितने टाइम ड्यूरेशन की मुझे एफडी करवानी है बट यहाँ पर क्या है ना आप जितने दिन पैसा रखोगे उतने दिन का इंटरेस्ट रेट मिलता है लोग फ्राइडे को पैसा डालते हैं मंडे को निकाल देते हैं दो दिन का इंटरेस्ट रेट के साथ उसका पैसा विद्रॉल हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है कॉर्पोरेट्स का पैसा बहुत ज्यादा आता है यहाँ पर आप अपने कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स को मतलब रिकमेंड कर सकते हो सर कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है आप यहाँ डेट फंड में ला सकते हो डेट फंड्स की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले तीस दिनों में सात आठ परसेंट का रिटर्न शो कर रहे हैं नब्बे और दो साल में भी, भी, भी रिटर्न शो कर रहा है तो यानी ये शॉर्ट टर्म फंड होता है पार्किंग के लिए यूज किया जाता है ये नीट बेस्ड नहीं होता ये आ, आपका ओरियंट कह लो कि आपके मतलब जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं किसी को घूमने जाना है आ, किसी को कई बार क्लाइंट्स क्या होते हैं अप्रैल के महीने में एकदम से सडनली है बच्चों स्कूल फीस बढ़नी है इनकम टैक्स है कई बार आपके इंश्योरेंस आ जाते हैं तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है कितना सारा अमाउंट मैं कहा से लाऊंगा तो आप कर सकते हो कि इन इन फंड के अंदर एक एस शुरू कर सकते हो उनकी जिनका मार्केट गिरने उठने से कोई लेना देना नहीं है अप्रैल में एक एक्यूमुलेटिव अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा ये अमाउंट विड्रॉल करके आप अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम अपना जो गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस वो दे सकते हो बच्चों की स्कूल फीस दे सकते हो इनकम टैक्स भरना है वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जस्ट लाइक एल का भी बैंकिंग पीएस्यू फंड है जब आप क्लाइंट uh, के पास जाते हो आपके सामने क्लाइंट बोलता होगा एल वाला कि भाई आपने दस साल पंद्रह साल वाला प्रोडक्ट दिया हुआ है मुझे बट कुछ ऐसा भी दो ना जब मर्जी चाहो मैं पैसा निकाल लू एनी टाइम विड वाला कोई ऑप्शन हो तो आप बैंकिंग एंड पी फंड दे सकते हो इसमें अमूमन अभी तक सात साढ़े सात परसेंट का एनुअलाइज रिटर्न रहा है दो में शुरू हुआ था और इसमें कोई लॉकिंग नहीं है आप एनी टाइम कर सकते हो कभी भी और इस प्रोडक्ट के अंदर अंदर एक एक बात और भी है है उसके आपका फॉर्म आता एपीपीएफ ऑटो प्रीमियम पेइंग सर्विसेज का फॉर्म अगर आप इस फॉर्म के इस फंड के साथ वो फॉर्म अटैच कर देते हो और उसमें अपने पुराने पॉलिसी नंबर्स डाल देते हो तो यहाँ से आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के जो प्रीमियम है बाय डिफॉल्ट पे कर सकते हैं आप आप सिर्फ इसमें अमाउंट डाल दो जब जब उसकी ड्यू डेट आएगी आप सिर्फ पॉलिसी नंबर म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दो वो जब जब ड्यू डेट आएगी बाई पैसा क्लाइंट से नहीं मांगा जाएगा आपसे नहीं मांगा जाएगा डायरेक्टली इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालकर आपका एल का प्रीमियम पे कर दिया जाएगा तो इस तरीके की प्रोडक्ट है हमारे एल के पास और नेक्स्ट कैटेगरी है अपने पास बैलेंस फंड जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था एक इक्विटी होता है शेयर मार्केट वाला एक डेट होता है गवर्नमेंट सेक्टर वाला तीसरी कैटेगरी है जो कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट इक्विटी फंड्स डेट फंड एंड गोल्ड इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे थोड़ा सा इक्विटी रखा जाता है थोड़ा सा डेट रखा जाता है ये अमाउंट उन लोगों को दिया जाता है जो रिस्क नहीं लेना चाहते अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट की पेंशन किटी की प्लान कर रहे हैं या सिस्टमेटिक विद्रॉल प्लान लेना चाहते हैं ये थोड़ा सेफर होता है बारह चौदह परसेंट का रिटर्न रहता है

दो सालों में भी अगर देखोगे बारह तेरह बीस तीन सालों में भी ग्यारह चौदह ग्यारह चौदह मीन्स इनका ऑन एवरेज रिटर्न हमेशा ग्यारह से चौदह परसेंट के बीच में ही रहेगा आप चाहे दो साल रखें दस साल रखें चाहे बीस साल रखें तो यानी एवडी से ज्यादा है इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड से कम है और आधा शेयर मार्केट में पैसा लगता है आधा गोल्ड में लगता है आधा आपका डेट फंड में डेट uh, कैटेगरी में लगता है बॉन्ड्स और गवर्नमेंट uh, के प्रोजेक्ट के अंदर लगाया जाता है तो यहाँ पे पैसा थोड़ा सेफर रहता है तो हाईअर एज वाले जो क्लाइंट कंजर्वेटिव है रिस्क नहीं लेना चाहते आप उनको बैलेंस फंड भी अप्रोच कर सकते हो अब मैं बात करता हूँ दो तरीके की है यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पर और एक मेचोरिटी पर यानी जो पैसा मैं लगा रहा हूं आप वहां पर ए सी का टैक्स रिबेट ले सकते हो मैक्सिमम डेढ़ लाख रुपए तक और जो आप पैसा विदड्रॉल कर रहे हो वहां पर भी आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो कैसे कर सकते हो अभी मैं बताता हूँ आपको ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं ए सी वाले टैक्स रिबेट वाले मिनिमम तीन साल का लॉकिंग होता है पर यूनिट तीन साल से पहले आप इस पैसे को किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते बट मैं अगर इनके रिटर्न की बात करूं तो पिछले एक साल में पैंतीस चालीस परसेंट का रिटर्न शो कर रहा है तीन साल में भी बारह तेईस सोलह सत्रह अठारह बीस अगर मैं अच्छा प्रोडक्ट लेता हूँ तो अठारह से बीस परसेंट वाला प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ तो अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं मुझे पांच साल में भी चौदह पंद्रह परसेंट का रिटर्न आ रहा है और दस साल में भी सेम सोलह से अठारह परसेंट का एवरेज रिटर्न आ रहा है सोलह से अठारह परसेंट का मतलब हो गया दस साल में पैसा पांच गुना दस साल का अगर मैं कोई अदर प्रोडक्ट लेता हूँ एफ लेता हूँ तो डबल होता है और यहाँ दस साल में, में मेरा पैसा पाँच गुना हो रहा है तो अपने क्लाइंट्स को जो एट्टी सी की रिवेट लेना चाहते हैं आप ई एल एस फंड सजेस्ट कर सकते हैं और इसमें वो एट्टी सी का मैक्सिमम डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स रिवेट लिया जा सकता है अब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की अगर आपने जो पैसा लगाया है एक साल से पहले विद कर लोगे तो टोटल फंड वैल्यू का सॉरी जो भी आपको रिटर्न जनरेट हुआ है उसका पंद्रह परसेंट टर्म कैपिटल गेन लगता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक लाख रुपए लगाया है एक साल में उसकी वैल्यू हो गई डेढ़ लाख रुपए और आप चाहते हैं कि उसको कर अभी एक साल पूरा हुआ नहीं है तो जो ऊपर का पचास हजार रुपये जनरेट हुआ है उसका पंद्रह परसेंट मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा यानी साढ़े सात हजार रुपए लेकिन वही पचास हजार रुपये मैं एक साल के बाद विदड्रॉल करता हूँ यानी मैंने एक लाख लगाया मेरी वैल्यू ये शायद कुछ सिस्टम एरर है यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही थी यदि कोई एक साल से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में रखता है तो टैक्स ट्रीटमेंट कुछ ऐसे लगेगा यदि किसी ने एक लाख निवेश किया और तीन साल के बाद वो पैसा दो लाख बन गया तो जब ये दो लाख वापस आएगा इसमें पहला एक लाख तो मूलधन था कैपिटल था बाकी का एक लाख प्रॉफिट है और पहला एक लाख यहां एग्जेप्टेड होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा इसी तरह से यदि किसी ने एक लाख निवेश किया और तीन साल के बाद वो पैसा तीन लाख बन गया तो इसमें पहला एक लाख रुपया तो मूलधन हो गया दूसरा एक लाख एग्जेप्ट हो गया बाकी के तीन लाख की मेच्योरिटी में से एक ही लाख बचा जिसपे दस परसेंट यानी कि टोटल दस हजार रूपये टैक्स लगा तो दस हजार के टैक्स के बाद ये तीन लाख की रकम व्हाइट में काउंट होगी तो म्यूचुअल फंड में लॉन्गर पीरियड यानी एक साल से ज्यादा के पीरियड में यदि निवेश करते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर दस परसेंट टैक्स लगता है जो एक्चुअल प्रॉफिट बना और उसमें भी पहला एक लाख एग्जेमटेड है दोस्तों प्रभात जी के सिस्टम में शायद कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है मैं इसको जरा थोड़ा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं देखो अलग अलग कैटेगरी के, के फंड्स होते हैं आप कौन सी फंड हाउस का फंड लेते हैं टाटा बिरला रिलायंस डजेंट मैटर उसका ओरिएंटेशन क्या है कैटेगरी ऑफ फंड क्या है आपका एलोकेशन क्या है वो मैटर करता है और अक्सर हमने देखा है कि शॉर्ट पीरियड में लोग मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च जैसे जो वेब पोर्टल्स है वहां पे देखते हैं जिनके रिटर्न्स जाता है उन्हीं फंड में निवेश कर देते हैं जबकि ये गलत है क्योंकि ऐसा हमने देखा कि चढ़ते बाजार में मिड कैप फंड बहुत तेजी से चढ़ते हैं और जब बाजार गिरता है तो वही मिड कैप फंड सबसे तेजी से गिरते हैं चढ़ते बाजार में मिड कैप और सेक्टर ओरिएंटेड फंड बहुत ऊपर होते हैं जिस सेक्टर की धूम होती है जब बाजार गिरता है तो वही नीचे होते हैं स्टैंडर्ड आइडल एलोकेशन ये बोलता है अगर किसी का एक से तीन साल का समय है यानी रिस्क कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है तो आप फिफ्टी परसेंट के लगभग बैलेंस फंड में रखिए पच्चीस परसेंट पैसा आप किसी लार्ज कैप में रखिए 25 परसेंट पैसा आप डेट फंड में रखिए और ये किसी भी कंपनी का लार्ज कैप किसी भी कंपनी कंपनी का का बैलेंस बैलेंस फंड 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 किसी भी का डेट हो सकता है वो बैलेंस है वो कि लार्ज कैप फंड है कि डेट फंड है वो हमने पीछे की पीपीटी में आपको एक्सप्लेन किया है अगर कोई तीन से पांच साल के लिए आता है आपके पास यानी आपका मान लीजिए निवेश तीन से पांच साल के लिए आप करना चाहते हैं तो बेटर टू स्टे विथ फिफ्टी लार्ज कैप कुछ डेट फंड ले लीजिए और जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड है उस टाइम का आप वो ले सकते हैं डेट को 50-25 परसेंट रख सकते हैं अमूमन इन्वेस्टमेंट होती है पांच से दस साल के लिए साल दो साल तीन साल को हम शेयर मार्केट के लिए एक आइडल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं मानते इफ इज हैविंग टाइम फ्रेम ऑफ फाइव टू टेन ईयर तो इसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा कि 50 परसेंट मनी टू बी पार्क इन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर के हाथ में लिबर्टी होती है कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन ही कैन मूव हिज मनी फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप टू स्मॉल कैप और स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में अपनी मर्जी से अलग अलग एलोकेशन में बांट सकता है अब होता है क्या कि चढ़ते बाजार में स्मॉल कैप तेजी से चढ़ते हैं गिरते बाजार में वो गिरते भी हैं तो लार्ज कैप पोर्टफोलियो आपको स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रिस्क लेता है और रिटर्न बेहतर देता है और पांच से दस साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो पच्चीस एक प्रतिशत पैसा आप अपना स्मॉल कैप में डाल सकते हैं पच्चीस प्रतिशत पैसा फिर भी डेट फंड में रखना चाहिए जिसका मैं आपको आगे रीजन बताऊंगा इफ संबडी इज हैविंग टाइम फ्रेम ऑफ टेन टू ट्वेंटी ईयर आप 10 साल के लिए निवेश करें 20 साल के लिए करें 25 साल के लिए करें एक चीज बिल्कुल कॉमन है 50 प्रतिशत पैसा आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में रखिए और फंड मैनेजर को उसकी मर्जी से एलोकेशन करने दीजिए ही नो मार्केट बेटर देन यू उसको शेयर बाजार का सेंसेक्स का निफ्टी का आपसे बेहतर आइडिया है 25 प्रतिशत पैसा आप हाई रिस्क वाले स्मॉल कैप फंड में रखें पच्चीस परसेंट पैसा हमेशा डेट फंड में सेफ फंड में इनकम प्रोडक्ट में रखें मान लीजिए आपके पास और ज्यादा एक्सपोजर आप लंबा समय लेते हैं कभी भी पच्चीस तीस प्रतिशत से ज्यादा पैसा आपको स्मॉल कैप में या फैक्टर ओरिएंटेड हाई रिस्क पोर्टफोलियो में नहीं डालना चाहिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा खाने की प्लेट का खाने की थाली में आटा दाल रोट दाल सब्जी चावल सब होता है सलाद उसमें थोड़ा सा अचार या हरी मिर्च रख देने से खाने में स्वाद आ जाता है खाना तीखा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी प्लेट हरी मिर्च से भर के खा लें या पूरी प्लेट अचार खा लें खाने की थाली में जितनी जगह अचार या मिर्ची की है आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की भी उतनी ही जगह होनी चाहिए स्मॉल कैप फंड होते हैं या सेक्टर ओरियंटेड फंड होते हैं उनमें पच्चीस तीस प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए और डेट फंड भी बीस से पच्चीस प्रतिशत रखना चाहिए ताकि जब भी कभी बाजार गिरे तो आप बॉटम लेवल पे बॉटम फिशिंग कर सके आपके डेट फंड को आप शेयर मार्केट वाले इक्विटी फंड में उस पैसे को स्विच कर सके और गिरे हुए भाव पे खरीद पाए अब ये पूरे कॉन्सेप्ट में कुल मिला के मैं पांच से दस साल की बात कर रहा हूं क्योंकि तो अमूमन हमारा निवेश पांच से दस साल के लिए होता है साल दो साल का निवेश यूजली कम होता है करना भी नहीं चाहिए साल दो साल है तो आप लार्ज कैप में रखिए या फिर बैलेंस फंड में रखिए डेट फंड में रखिए पांच से दस साल के लिए यदि निवेश करना है एकदम स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो फिफ्टी परसेंट पैसा किसी भी कंपनी के फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में ले लीजिए पच्चीस तीस प्रतिशत पैसे को स्मॉल कैप में या उस वक्त जो सेक्टर ओरिएंटेड फंड है जैसे छह महीने पहले हमने लोगों को बोला था एच डिफेंस और मोतीलाल माइक्रो कैप फंड आज एच डिफेंस फंड का एनएवी करीब उन्नीस रुपया है छह महीने के अंदर पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया मोतीलाल कैप का एन करीब सोलह रुपए के, के लगभग है <laughs> उसमें भी पैसा डेढ़ गुना हो गया लेकिन ये हाई रिस्क कॉल थे अब जैसे अभी हम डीएसपी टाइगर की बात कर रहे हैं एक बात मैं क्लियर कर दूं मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं जो फंड्स के नाम मैं ले रहा हूं उनमें मेरा निवेश हो भी सकता और नहीं भी और मेरी बातें बायस्ड भी हो सकती है बट आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करना जरूरी है तो मैं जो बता रहा हूं एक कॉमन आइडल एलोकेशन हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो निवेश करना चाहे इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर फाइव टू टेन ईयर ऑलवेज ट्राई टू गिव फिफ्टी परसेंट मनी टू द फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड डोंट पुट मोर देन ट्वेंटी और द स्मॉल कैप फंड फंड एंड ट्राई टू टू हैव डेट और मैं आपको एक बात बता दू जरूरी नहीं है कि आप कौन सा फंड लेते हैं अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसके अंदर कुछ मिड कैप स्मॉल कैप है फिफ्टी परसेंट पैसा डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या मिड कैप फंड में है दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैं आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं पिछले पंद्रह साल में जितने भी फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप या डाइवर्सिफाइड नेचर के फंड हैं उन सब का एवरेज निकालू तो पंद्रह प्रतिशत है और पिछले पंद्रह साल में हर वो व्यक्ति जिसने पंद्रह हजार रुपए महीना दिया और पंद्रह प्रतिशत का म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ग्रोथ आया है आज लोगों को एक करोड़ से ज्यादा मिल रहा है और ये एक करोड़ ऑलरेडी बन चुका है मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर में होगा ऑलरेडी लोगों को ये एक करोड़ रुपया मिल रहा है ये लोगों को मिल चुका है ये मेरा खुद का पोर्टफोलियो है आप चाहें तो उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बड़ा करके देख लीजिएगा आप देखेंगे तो थोड़ा सा मिड कैप है थोड़ा फ्लेक्सी कैप है थोड़ा टैक्स सिमर फंड है और जो सेक्टर ओरिएंटेड फंड मैंने बताए थे एच डिफेंस और मोतीलाल माइक्रोकैप भी छोटी मात्रा में है और मेरे पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न है 22% परसेंट और मेरा पोर्टफोलियो पिछले 15 साल से चल रहा है ये 22 ये उनतीस फरवरी की रिपोर्ट है तो जो फंड्स मैंने आपको बताए हैं ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्टफोलियो मेरा भी है पार्क सब इंटू फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड पच्चीस से तीस स्मॉल कैप मिड कैप कुछ पैसा डेट फंड और देखिए एक छोटी सी बात है आपके सामने 1979 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंच है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं उसका लेवल था 100 रेट पॉइंट जब सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी सन 2005 में इसकी कीमत 5000 हुई आज सन 2000, 2024 में सेंसेक्स 75000 हजार पे है और मोटा मोटी अगर मैं शेयर बाजार की ग्रोथ देखूं तो भारतीय शेयर बाजार में करीब 16 प्रतिशत सालाना की ग्रोथ आई है पिछले ४० साल में और म्यूचुअल फंड भी मोटा मोटी इससे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देगा तो यदि 16 प्रतिशत सेंसेक्स और निफ्टी की ग्रोथ रही तो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ 18 से 20 प्रतिशत रही और स्मॉल कैप वाले फंड्स की रिटर्न कहीं 20 बाईस प्रतिशत भी गए ओवर ए लॉन्गर पीरियड यदि आप 10 साल 15 साल 20 साल की आज के बाद कैलकुलेशन ले रहे हैं तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि पंद्रह हजार महीना पंद्रह साल तक देने से एवरेज एक करोड़ बनता है या दस हजार महीना 20 साल तक देने से यदि 15 से 18 प्रतिशत की ग्रोथ आए तो एक करोड़ बनता है ये सेंसेक्स और निफ्टी के फ्यूचर फोरकास्ट है जिसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा यह सिर्फ प्रोजेक्शन है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस सोलह प्रतिशत का रिटर्न रहा है पिछले चालीस साल का यदि यही रिटर्न आया तो 2026 में सेंसेक्स एक लाख होगा और 2030 आते आते सेंसेक्स दो लाख के लेवल पर होने की उम्मीद है निफ्टी उजेंड लेवल बाई टू थाउजेंड थर्टी और ये मैंने पंद्रह प्रतिशत का मैथमेटिक्स प्रोजेक्शन लिया है इसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि तो ये सब कैलकुलेशन है बट आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं और एक एक छोटी सी मतलब कैलकुलशन है वाइल योर इन्वेस्टिंग योर मनी थ्री बकेट स्टोरी या थ्री बकेट थ्योरी वेन एवर यू वॉन्टेड टू तो इन्वेस्ट योर मनी ऑलवेज स्प्लिटअप योर मनी, मनी इंटू थ्री पार्ट पैसे के तीन हिस्से कीजिए 33 प्रतिशत तैतीस प्रतिशत तैतीस प्रतिशत एलोकेशन किसी की उम्र और किसी की नीड के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है डोंट पुट ऑल योर एग इन टू सेम बास्केट सारा पैसा म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में मत डालिए सारा पैसा एकदम पीएफ और बैंकिंग जैसी सेफ जगह पे मत रखिए पैसे के तीन हिस्से कीजिए थर्टी थ्री परसेंट से लीजिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो आपको प्रोटेक्शन देंगे अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपको मेडिक्लेम मिल जाएगा आप डिसेबल हो गए पैसा नहीं कमा सकते तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी इफ समथिंग गोज विद यू की भाई आप कुछ गलत हो गया आप इस दुनिया में नहीं रहे तो परिवार को आज ही इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा थर्टी थ्री परसेंट पैसा रखिए इमरजेंसी एंड शॉर्ट टर्म नीड के लिए शॉर्ट टर्म नीड लाइफ में आती हैं सभी की लाइफ में आती हैं तो वो जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो जो डेट फंड मैंने आपको कहा था ट्वेंटी फाइव परसेंट वो डेट फंड एक्चुअल में आपकी शॉर्ट टर्म नीड को प्रोटेक्ट करेगा जो भी आपकी शॉर्ट टर्म नीड है जब मेडिकल इमरजेंसी आ गई और बाकी का 33 परसेंट आप रखिए अपने फ्यूचर गोल्स के लिए फ्यूचर ड्रीम के लिए उसकी आप एस कराइए और वेल्थ क्रिएट कीजिए इस तरह की लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप इतना लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए कि आप जितना कमाते हैं उतना आपके घर आ सके क्लोज टू सिक्सटीन टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम तो इफ यू वॉन्टेड टू इन्वेस्ट टेन थाउजेंड आप तेंस से जीवन बीमा खरीदिए तैंतीस थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज से आप शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट लीजिए क्योंकि तो जॉब लॉस है मेडिकल इमरजेंसी है ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है तो आपका सिक्स टू ट्वेल्व मंथ का इनकम का बैकअप आपके पास होना चाहिए ये गोल्ड फंड और डेट फंड है दो अलग अलग कंपनी के एस गोल्ड फंड और एल बैंकिंग पीएसयू फंड दोनों प्रोडक्ट में कोई इन नहीं है शेयर मार्केट का रिस्क नहीं है हालांकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क सभी म्यूचुअल फंड होते हैं बट यहां पे आपको एक सेफ रिटर्न मिलेंगे आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड और इमरजेंसी नीड के पैसों को यहां पार्क कर सकते हैं तो जैसा मैंने कहा थर्टी थ्री परसेंट टूअर्ड द परमानेंट लॉस ऑफ इनकम इंश्योरेंस के लिए थर्टी थ्री परसेंट टूअर्ड द सेविंग एंड द शॉर्ट टर्म नीड एंड द इमरजेंसी नीड एंड थर्टी थ्री परसेंट टूअर्ड द फ्यूचर गोल अगर मैं फ्यूचर की बात करूं अगर कोई व्यक्ति दस हजार रुपए महीने का एस करता है यदि पंद्रह परसेंट की ग्रोथ आती है तो बीस साल में वो पैसा एक करोड़ बत्तीस लाख बनता है वही ग्रोथ यदि पांच परसेंट की हो तो केवल इकतालीस लाख बनता है और यदि मैं बैलेंस अप्रोच लू कि कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में रहेगा कुछ सेफ प्रोडक्ट में डेट फंड में रहेगा कुछ इंश्योरेंस कंपनी में रहेगा तो आठ से दस परसेंट की भी यदि ग्रोथ आती है तो आपके दस हजार रुपए महीने से आप बहत्तर लाख रुपए बीस साल में जोड़ सकते हैं यदि आप बारह से तेरह हजार रुपए महीना देंगे तो ये वैल्यूएशन एक करोड़ के लगभग पहुंचने की उम्मीद है जिसमें रिस्क कवर भी हो गया कुछ हुआ तो आज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी शॉर्ट टर्म में जो नीड आएगी वो डेट फंड से पूरी होंगी लॉन्ग टर्म में आपके फ्यूचर जो है वो आपके इक्विटी फंड से आपके फ्लेक्सी कैप फंड से और स्मॉल कैप फंड से पूरे होंगे टर्म प्लान प्लस एस एक गुड कॉम्बिनेशन हो सकता है यहां पे मैंने फ्यूचर कैलकुलेशन दिखाई है नीड कि जो पढ़ाई थी आज से पहले पढ़ाई की जो कॉस्टिंग थी तो इसमें दिखाया गया कि दो हजार में ढाई तीन लाख रुपए में शादी भी हो जाती थी पढ़ाई भी हो जाती थी आज शादी और पढ़ाई दोनों के लिए दस दस लाख रुपए चाहिए और आज से 15 से 25 साल के बाद शादी और पढ़ाई दोनों के लिए 50-50 लाख रुपए चाहिए होगा यहाँ पे 7% परसेंट इन्फ्लेशन ली गई है तो यू माइट बी नीडिंग क्लोज टू वन सी और ये अमूमन पचास से साठ सैलरी वाले लोगों की कैलकुलेशन है यहीं पे मैंने एक रिटायरमेंट सॉल्यूशन का भी कैलकुलेशन दिखाया है कि यदि आ, आज से करीब करीब तीस साल पहले जिन लोगों के घर का खर्च और एक तोला सोना की कीमत करीब तीन हजार रुपए थी आज लोगों के घर के खर्च पचास साठ हजार रुपए महीने की रेंज में है एक तोला सोना भी करीब साठ हजार रुपए पैंसठ हजार रुपए की रेंज में है और इसी तरह से अगर महंगाई रही तो आने वाले बीस साल में पचास से साठ हजार रुपए महीना में घर चलाने वाले लोगों को चार लाख रुपए महीने की पेंशन की जरूरत पड़ेगी और यह मैथमेटिक्स की बात है और कुछ नहीं है मैंने 7% इन्फ्लेशन लिया है तो ये लेवल के गोल अगर आपको अचीव करने हैं देन यू नीड रिटर्न ऑफ 15 टू 18% और 12% मींस इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न जो आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलेंगे बट सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देंगे और आज भगवान ना कोई इंसिडेंट हो गया तो फैमिली को आज ही पेंशन चाहिए तो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट पीपल स्प्लिट अप योर मनी इनटू थ्री पार्ट कुछ पैसा इंश्योरेंस में रखो कुछ म्यूचुअल फंड में रखो कुछ डेट फंड में फॉर योर शॉर्ट टर्म नीड देखो इंडिया में ग्रोथ है और हमें उम्मीद है ये लेवल मार्केट में आएंगे हालांकि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड इफ यू स्टे इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड यू कैन जनरेट गुड रिटर्न और ये डिस्कलेमर देना जरूरी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू आर मार्केट प्लीज रीड दी ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिसीजन लीजिए यहां पर जिन भी प्रोडक्ट्स के नाम लिए गए हैं, मैं किसी भी प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज से बनाई गई है थैंक यू वेरी मच